नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और Instagram चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेल्जियम कंट्री के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट बेल्जियम में जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट भी लगता है, वहाँ पे फीसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें पैसे कम लग सकते हैं, तो आज हमने कुछ ऐसे कोर्सेज ढूंढे जहाँ पे आप कम पैसों में भी जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बेल्जियम में स्पेशल जाना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैनेजमेंट में है, आईलेट 6 बैंड है, डुलुंगो कर रखी कोई दिक्कत नहीं है, पीटी कर रखी कोई दिक्कत नहीं। आपने इस बात का ध्यान रखा आपका जो लेवल है B2 लेवल होना चाहिए इंग्लिश में और 6 बैंड के बराबर होने चाहिए, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पर जो फीस है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की 2 साल की मास्टर आपको मिल जाती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ कोर्स 1 साल के भी, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि आप BTEC कर रखी मैनेजमेंट जा सकते हो, उसमें आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। मैनेजमेंट में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं या इंटर्नशिप मैनेजमेंट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, MBA में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड MBA या BCOM या BBA में है। अगर आपने ऑलरेडी MBA कर रखी है तो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 6 बैंड के साथ। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपके अकेडमिक में 60% नंबर होने चाहिए, इंग्लिश लेवल मैंने आपका बता दिया 6 बैंड होने चाहिए जो कि B2 लेवल होना चाहिए, PT भी आपका B2 लेवल होना चाहिए, डुओलिंगो कर रखी उसमें भी आपका B2 लेवल होना चाहिए। अगर आप बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम शेंगेन की कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही अमीर कंट्री है, यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे फ्यूचर वाइज देखा जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे PR सेटलमेंट भी मिल जाती है, स्पाउस को भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। स्पाउस को आप वहाँ पे तभी बुला सकते हैं जब आप वहाँ पे आफ्टर स्टडी सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, यहाँ पे इनकम सोर्स आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब कौन सी है, सबसे ज़्यादा जॉब यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रखी है या फिर जिन्होंने BTEC कर रखी है, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर हैं जॉब में। जिन लोगों ने 12th पास कर रखी है, आर्ट्स में है, उनको एडमिशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर वहाँ उनका वीज़ा आ भी जाता है, वहाँ पर सेटल हो भी जाते हैं, तो उनको जॉब में भी दिक्कत आएगी। जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ है उनको भी वहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि बेल्जियम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा फ्यूचर आपका बन जाए, ज़्यादा इनकम हाई स्केल मिल जाए, तो आपको यहाँ से जर्मन सीख के जाने पड़ेगी। अगर आप यहाँ से डच लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी लेके चलिए डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि जो बेल्जियम कंट्री वहाँ पे डच लैंग्वेज भी चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो डच लैंग्वेज काफ़ी जगह पे चलती है, इंग्लिश थोड़ी बैकग्राउंड वहाँ पे कम है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना जो इंग्लिश लैंग्वेज वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चलती है। जब आप थोड़ा बाहर आते हैं, शहरों में, गाँव की तरफ जाते हैं, जर्मन के बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर डच लैंग्वेज चलती है। तो अगर आप बेल्जियम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर के लिए भी कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन में अप्लाई करने के लिए, आपका 10th, 12th और मार्कशीट डिग्री जैसा डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, 1 इंग्लिश प्रूफ होना चाहिए, और साथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपका SOP होना चाहिए। SOP जितना अच्छा होगा उतना ही वीज़ा के लिए आपका अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, एक छोटी सी इंटरव्यू होती है यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही वहाँ पे साल की फ़ीस भेजनी होती है। जब आप फाइल एम्बेसी में लगाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल जर्मनी की तरह ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 9 से लेकर 10 लाख तक की कुछ अमाउंट होती है, आप किसी भी क्वार्टर बैंक या डच बैंक में जाके अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने ब्लॉक अकाउंट तभी खुलवाना होता है जब आपका एडमिशन आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं एडमिशन से पहले ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि एक बार अकाउंट खुल गया उसको आप अनब्लॉक नहीं कर सकते यहाँ से। अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारा समय लगता है, उसके लिए रिफ्यूज़ल लेटर चाहिए, आपका एडमिशन और वीज़ा तो आया नहीं है ना, उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने ब्लॉक अकाउंट तभी खुलवाना है जब आपका वहाँ से एडमिशन आ जाए। जब आप यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको एम्बेसी में फाइल सबमिशन करानी होती है, उसमें आपके पास आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए जिसका हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं या ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं, और आपका कवर लेटर होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फिल हो, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आप फाइल वहाँ पे जमा करा सकते हैं। जैसे ही फाइल जमा होती है आपका वहाँ पे एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। आपने इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, वीज़ा और आपका एडमिशन लेटर दोनों ही आपको इंटरव्यू बेस पे मिलता है। यहाँ पे एडमिशन और वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बेल्जियम जाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं, 8 लाख रुपये फ़ीस आती है, 10 लाख रुपये फ़ीस आती है। अगर आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कम फीसेज में आपको मिल जाता है। मैंने कितनी बार लोगों को बताया कि अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं इतने पैसे नहीं लगते, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे बहुत ही कम फीस होती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो वहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत फीस कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास वही स्टूडेंट आते हैं जिनके घर में पैसों की दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम ढूंढ के देते हैं जहाँ पे आप कम पैसों में जा सकते हैं, 2 लाख से लेकर 3 लाख तक 4 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख तक खर्चा आता है। अब ज़्यादातर इतनी कम फीस में उन्हीं का अप्लाई हो पाता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे किसी के 5.5 बैंड है, किसी ने नॉन मेडिकल कर रखी है या कॉमर्स कर रखी है या 6 बैंड है, उनकी हम हेल्प करते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट है जो भी फिलफिल होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं तो वहाँ पर उनका अप्लाई हो जाता है। कुछ स्टूडेंट के पास LOR नहीं होता है, MOI नहीं होता है, आर्ट स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कत होती है, उनके लिए फिर महंगी यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ता है, क्योंकि महंगी यूनिवर्सिटी तो वैसे ही एडमिशन दे देती हैं।
तो कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही सर, जैसे आप कहते हैं कि 2-3 लाख खर्चा आता है, 3 लाख खर्चा आता है, जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो 10 लाख खर्चा आता है, 11 लाख खर्चा आता है, 9 लाख खर्चा आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो हमेशा मैं आपके लिए देता हूँ, आप खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो तो वहीं पे अप्लाई करेगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फीस आती है। ज़्यादा से ज़्यादा फीस आती है उसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। अगर आप वहाँ पर अप्लाई करवाएंगे तो आप खर्चा जरूर आएगा। इसलिए आप जब भी अप्लाई करें, किसी से भी अप्लाई करवा रहे हैं, चाहे नंबर वन एक्सपर्ट क्यों ना हो कंसल्टेंट में, चाहे वीज़ा इमिग्रेशन में कंसल्टेंट क्यों ना, चाहे एजुकेशन कंसल्टेंट क्यों ना, पहले आप 10-15 लोगों से मिलें, जितना डाटा हो सके उतना डाटा इकट्ठा करें, फिर वहाँ पे अप्लाई करवाएं जहाँ पे आपके पैसे बच रहे हो और अच्छी सर्विस मिल रही हो। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हमारी यहाँ तक पहुँच है। जब अप्लाई करते हैं ना, एक बार आपका एडवांस 20-25-50 हज़ार रुपये एडवांस चला गया ना, तो सारे उम्मीदों पे आपका पानी फिर जाता है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि एजेंट ने तो बस 50 हज़ार रुपये निकलवाने थे, इसलिए हमें मीठी मीठी तारीफ की थी, चाय पानी पूछा, बट मीठे मीठे रसगुल्ले खिला दिए, अब वही मीठे रसगुल्ले हमें चुभने लग गए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, वहीं पर अप्लाई करें जिनको ज़्यादा नॉलेज हो बेल्जियम के बारे में, स्वीडन के बारे में, यूरोपियन कंट्री के बारे में नॉलेज हो, स्पाउस वीज़ा के बारे में नॉलेज हो, वहीं पर अप्लाई करें जहाँ पर आपके पैसे बचते हों। क्योंकि इतने पैसे, हर बार मैं कहता हूँ, फॉरेन जाने के लिए इतने पैसे नहीं लगते अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, खोजबीन करेंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो कम पैसों में अप्लाई करवा देते हैं। अगर आपको बेल्जियम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी मदद ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बेल्जियम में कैसे अप्लाई हो सकता है, अगर आपको भी और किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है किसी और कंट्री के बारे में, आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट आपको मिलती रहे कम पैसों में फॉरेन जाने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का। नमस्कार।